आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज चैनल। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रैक्टिकल की कॉपी देने के बहाने घर में घुसकर आदिवासी गरीब छात्रा के साथ जिहादी ने किया दुष्कर्म। राजा भोज की नगरी धार में हिंदू बहन बेटियों की इज्जत से खेलने की खबर से आम जनता के कान पक गए हैं। आरोपी मुस्लिम के होने की सूचना पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता व हिंदू समाज के लोग भी बड़ी संख्या में कोतवाली पहुंचे और पीड़िता की जानकारी हासिल की। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म एसटी एससी एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। युवती ने पुलिस को बताया कि वह डही ब्लॉक के ग्राम में निवास करती है और धार की जनता कॉलोनी में किराए के मकान में पढ़ाई कर रही है। आरोपी समीर पिता अब्दुल मंसूरी भी पीजी कॉलेज में साथ पढ़ाई करता था। पढ़ाई के दौरान अपना नाम व जात छिपाकर छात्रा को भ्रमित किया। गुरुवार सुबह के समय समीर प्रैक्टिकल कॉपी देने के बहाने समीर घर पर आया, पीड़िता से जबरदस्ती करते हुए घर में घुसा और दुष्कर्म करने लगा। मना करने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़िता अपनी जान बचाकर आम लोगों के सहयोग से कोतवाली पहुंची और घटनाक्रम पुलिस को बताया। घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता के परिजन भी गांव के सरपंच के साथ कोतवाली पहुंचे। पुलिस ने आरोपी समीर पिता अब्दुल मंसूरी पर धारा 376, 376-2, 452, 506, 3(1)(V) भादिव में प्रकरण दर्ज। कि वास्तव में जो ये लव जिहाद है ये एक षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र के रूप में यहाँ पे भी इसको बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एक जिला केंद्र है और जिला केंद्र पर जो वनवासी क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र की बोली वाली लड़कियाँ ग्रामीण क्षेत्रों से ट्राइबल एरिया से यहाँ पर आती है, उनको ये जिहादियों प्रलोभन देकर और उनको लालच देकर उनके का शोषण कर रहे हैं, उनका दैहिक शोषण कर रहे हैं। तो अभी प्रकरण दर्ज हो गया सर? जी, प्रकरण दर्ज हो गया, हो रहा है। नाम बताओ। सोनू गायकवाड़, हिंदू जागरण मंच।